गांव में दो मित्र रहते थे जो भी काम करते एक साथ मिलकर करते थे। गांव वाले दोनों के दोस्ती पर मिसाल देते थे। एक का नाम मोटू था और दूसरे का नाम पतलू था। पतलू, चलो घूमने चलते हैं आज। मोटू कहाँ चलने की विचार है? भाई पतलू, तुम ही बताओ जहां चलना है। चलो जंगल में चलते हैं, वहां शुद्ध हवा मिलेगी और मजा भी आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं पतलू। यह कहकर मोटू और पतलू जाने लगते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में शेर आते हुए नजर आता है। दोनों लोग घबराते हुए बोलते पतलू, अब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हैं। मोटू भाई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मोटू और पतलू बातें कर ही रहे थे, तभी मोटू को एक चाबी दिखाई दे दिया। पतलू देखो, वहां पर एक चाबी है। अरे मोटू, मरने जा रहे हैं, तुम्हें चाबी की पड़ी है? पतलू, पतलू जाने दो, मैं ही ले लेता हूँ। मोटू चाबी जैसे ही उठाता है वैसे ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है। मोटू डरकर पतलू के पास चला जाता है। मोटू डरो मत, मैं तुम्हारा गुलाम बन गई हूँ। चुड़ैल मोटू के पास चली जाती है। तुम क्या-क्या कर सकती हो? ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकती। क्या तुम उस शेर को भगा सकती हो? हाँ, मैं भगा सकती हूँ शेर को। हाँ, इस शेर को भगा दो। ठीक है मोटू, भगा देता हूँ। चुड़ैल इस शेर को जान से मार देती है। उस शेर को अपने जादू से गायब कर शेर को मारो मत, इसे घने जंगल में छोड़ दो। देती है। जैसी आज्ञा मोटू। चुड़ैल अपने जादू से इस शेर को जिंदा कर देती है, फिर इस शेर को एक घने जंगल में छोड़ देती है। मोटू पतलू के साथ चुड़ैल भी मोटू पतलू के घर चली जाती है। एक भिखारी मोटू को मिला। ₹50 दे दो भैया, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ₹10 दूंगा, पहले ये तो बता, ₹50 में खाना कहाँ मिलता है? रे रहीम ने कुछ ही दिनों पहले खुशबू से शादी की थी। खुशबू दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए रहीम ने खुशबू से बहुत जल्दबाजी में शादी कर लिया था।
रहीम अपने पत्नी के सारे नखरे उठाता था। मुझे यह खाना अच्छा नहीं लगता है और जाते हुए मेरे लिए कुछ पनीर लेके आना और जाने से पहले मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। पैसे वही दीदी के पास रखे हुए हैं और मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए पनीर लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए रहीम काम पे चला जाता है। रहीम बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है लेकिन उसकी पत्नी उन पैसों को चुटकियों में उड़ा देती है। रहीम इस बात से बहुत दुखी था लेकिन वह किसी को कह नहीं पाता है। क्या बात है रहीम, तू कुछ दिनों से परेशान लग रहा है। कुछ भी नहीं है दोस्त, काम थोड़ा ज्यादा असर हो रहा है, बस सब ठीक नहीं है। हाँ तुम्हें क्या परेशानी सताएगी, जब घर पर इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो सब कुछ भूल जाते होंगे घर पहुँचते ही। दोस्त का बात सुनकर रहीम को अच्छा लगता है लेकिन जो सच था उस बात का दुख तो रहीम के मन में था ही। रहीम अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त पनीर लेके जाता है और खुद दाल चावल खा के सो जाता है। अगले दिन खुशबू फिर से रहीम के सारे पैसे ले लेती है और पता नहीं उसे कहाँ खर्च कर देती है और ऐसे हर रोज करने लगती है। एक दिन रहीम अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने पत्नी से पूछता है, खुशबू मैं एक पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है तुम वह सारे पैसे को कहाँ और क्या खर्चा कर रही हो। तो अब आप मुझसे सवाल जवाब भी करने लगे हो और क्या पता मुझके साथ भी कर रहे होंगे आप। और ऐसा करते हुए खुशबू झगड़ा करना शुरू कर देती है और यह झगड़ा बहुत देर तक चलने के बाद भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में रहीम भी पीछे हटकर कहता है, मुझे माफ कर दो खुशबू, तुमसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ऐसे कहते हुए रहीम चुपचाप जाकर सो जाता है यह सोचते हुए कि कम से कम इस झगड़े के बाद खुशबू पैसे गायब करना बंद कर देगी। लेकिन खुशबू पर रात के झगड़े का कोई असर नहीं पड़ता, वह हर रोज की तरह फिर पैसे लेना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद रहीम को गांव के एक आदमी से पता लगता है कि मैं तुमसे यह बात बहुत काफी दिनों से कहना चाह रहा था लेकिन ये सोचकर चुप था कि कहीं तुम बुरा तो नहीं मान जाओगे, लेकिन आज ये ज्यादा हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे घर रोज एक सुंदर आदमी आता है, खुशबू भाभी रोज उसे पैसे देती है और कभी कभी घर का सामान भी दे देती है। वो आदमी घर के सामान और पैसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। रहीम को उस आदमी का बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से घर चला जाता है और घर जाकर खुशबू से पूछता है कि वह आदमी कौन है जो हर रोज यहाँ पे पैसे लेने आता है। इसी की कमी थी बस, गांव वालों की बातें सुनकर मुझ पर शक करने लगे हो, यही आखिरी बार होना चाहिए। ऐसे कहते हुए खुशबू वहाँ से चली जाती है और रहीम हमेशा की तरह खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन रहीम को रात भर नींद नहीं आता है। अब बस बहुत हुआ, मैं कल देखकर ही रहूंगा कि मेरे जाने के बाद घर के पास क्या तमाशा हो रहा है। ऐसे सोचते हुए रहीम अगले दिन काम पर जाने का सिर्फ बहाना करता है और अपने घर के बगल जाकर छुप जाता है और इंतजार करता है उस आदमी के आने का। कुछ देर बाद वहां पर खुशबू का भाई आता है और अपने बहन से पैसे और सामान लेता है। तब रहीम आकर खुशबू को अपने भाई के साथ भेज देता है और इस बार खुशबू कुछ भी नहीं ले जा पाती क्योंकि रहीम ने उसे बहुत झेला था।